कानपुर शूटआउट कांड पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तक 6 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस के मुताबिक 11 वांटेड अभी बाकी हैं, चल रही है तलाश। नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। 4 लोग और हो चुके हैं गिरफ्तार, शशिकांत भी विकास दुबे का सहयोगी। विकास दुबे के घर से AK-47 मिली, शशिकांत के घर से बरामद हुई इंसास राइफल। सियासी खींचतान के बीच गहलोत ने फिर बुलाई विधायक दल की बैठक, 22 विधायक बैठक में मौजूद नहीं। पायलट के समर्थक विधायकों का सामने आया पहला वीडियो, 30 विधायकों के साथ होने का दावा, गुरुग्राम के होटल में ठहरे हैं पायलट के समर्थक विधायक। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद होटल में शिफ्ट किए गए विधायक सुबह कसरत करते आए नजर। विधायकों को होटल शिफ्ट करने से पहले अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन, सीएम हाउस में मीडिया के सामने 109 एमएलए के साथ शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन के वक्त अशोक गहलोत ने दिखाया विक्ट्री साइन, मौजूद रहे रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को कड़ा संदेश, प्रस्ताव पारित कर कहा पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर होगा एक्शन। जारी है सचिन पायलट से सुलह समझौते की कोशिश, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी कर रही हैं बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के सामने सचिन पायलट ने रखी है शर्त, लेकिन पार्टी ने पहले जयपुर लौटने के निर्देश सुनाए। अपने करीबी 4 विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं सचिन पायलट, गृह और वित्त विभाग पर भी गड़ाई नजरें। सचिन पायलट ने सुलह समझौते की खबरों को किया खारिज, कहा नहीं हुई आलाकमान से कोई बात, नहीं रखी कोई शर्त। सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत की करीबियों पर आयकर की छापेमारी, अजमेरा नाम के व्यक्ति पर आयकर की छापे की खबर। गहलोत की करीबी और ज्वेलर फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आईटी की रेड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी। धर्मेंद्र राठौड़ के घर और दफ्तर भी पहुंची आयकर विभाग की टीम, सूत्रों के मुताबिक देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ। जिस होटल में रखे गए हैं विधायक वहां भी सुबह से चल रही है छापेमारी, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के दोस्त का है होटल। जयपुर में छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, सुरजेवाला ने कहा बीजेपी की साजिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बुलाया है 12 घंटे का बंद, राजनीतिक हिंसा का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और उन्हें परेशान किए जाने के खिलाफ बंद, राज्य के सभी पुलिस स्टेशन के सामने विरोध का प्रदर्शन का कार्यक्रम। कुछ बिहार में बस टर्मिनस पर विरोध प्रदर्शन, बसों को रोकने की कोशिश, 15 प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के बाद भड़का गुस्सा, रायगंज में बंद दिखी दुकानें। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात, बंगाल हिंसा पर सौंपा जाएगा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में फंदे से लटका मिला बीजेपी विधायक का शव, हेमताबाद सीट से एमएलए थे देवेंद्र नाथ रे। देवेंद्र नाथ के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक दुकान की बालकनी से लटकी थी उनकी लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का आरोप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद फैला रहे हैं फेक न्यूज। डेरेक ओब्रायन ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की वजह बताई गई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का आरोप, विधायक देवेंद्र नाथ की हत्या का लटकाया गया शव, कहा टीएमसी के गुंडे इस काम में माहिर हैं। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 28,498 कोरोना मरीज बढ़े, कुल कोरोना केस 9,06,752। देश में पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की कोरोना से मौत हुई, अब तक 23,727 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। महाराष्ट्र में 2,61,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 10,482 लोगों की मौत। एक दिन में 6,400 से ज्यादा नए मामले, मुंबई में कुल केस 94,000 के पार। मुंबई में अब तक 5,300 लोगों की मौत एक दिन में, 47 ने गवाई जान। भारत और चीन के बीच आज फिर होगी बातचीत, दोनों देशों के कोर कमांडर्स की आज चौथी बैठक। बैठक में भारत फिर चीन को वापस जाने के लिए कहेगा, अप्रैल वाली स्थिति में जाने पर होगी बात। लद्दाख के चुशूल में सुबह 11:30 होनी है बैठक, गलवान घाटी पर हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत जारी। चीन की शह पर नेपाल का भारत से उलझना जारी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर दिया विवादित बयान। ओली ने दावा किया कि भगवान राम का जन्म भारत नहीं नेपाल में हुआ था, ओली ने यूपी की अयोध्या को बताया नकली अयोध्या।
ग्वालियर में कल शाम 7 बजे से एक हफ्ते के लिए लगा कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन का दिया आदेश। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन से जरूरी सेवाओं को छूट। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। लखनऊ के आलमबाग में एटा के जिला पंचायत सदस्य पर फायरिंग। बदमाशों की गोलियों से बाल बाल बचे जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया। गोली लगने से उनका ड्राइवर घायल। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 सदस्यीय बेंच करेगा सुनवाई। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़े। गोपालगंज में बाढ़ के पानी से घिरे कई गांव। नाव के जरिए आना जाना हो रहा है मुमकिन। मोतिहारी में भारी बारिश से गंडक नदी में उफान। कई गांव में घुसा पानी। प्रयागराज में बारिश के बाद गंगा यमुना का बढ़ा लेवल। नाविकों और आने वाले श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में जोरदार बारिश। संगरूर में खेतों में भरा पानी। किसानों को भारी नुकसान। हरदोई में कोविड अस्पताल में बदहाली का वीडियो वायरल। अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हावड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद घर के बाहर घंटों तक पड़ा रहा शव। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया ठिकाना। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आज से 10 दिन का लॉकडाउन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नजर आ रहे हैं यमराज और चित्रगुप्त। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। इंदौर में कोरोना के 92 नए मरीज। 5,352 लोगों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। वाराणसी में 5 दिन का आधे दिन का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते ग्राफ की वजह से शाम के 4 बजे के बाद लागू होगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला। पंजाब में सेहत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 4,000 मेडिकल कर्मचारियों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। पटना के एम्स में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। 18 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। दिल्ली के मजीदिया अस्पताल में नर्सेज का विरोध। 84 कर्मियों को नौकरी से निकालने के बाद प्रबंधन के खिलाफ हल्ला। वोट